इलेक्शन को लेकर क्या उसकी झलक इसमें दिखाई दी है? उपचुनाव, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो इसी दौरान हो जाने हैं? नहीं, इसमें तो नहीं झलक दिखाई देगी, अभी तो सिर्फ चर्चा हो रही है, अभी बातचीत हो रही है, अभी रिएक्शन आ रहे हैं। और जैसे कि हवा, जब आंधी चलती है तो उसके पहले थोड़े हवा का माहौल, लुक देखा जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये तय हो चुका है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तरीके से काम होगा, और उसमें कैसे होगा, क्या होगा, उसके नफा नुकसान भी देखे जा रहे हैं। दरअसल ये बात सही है, अब जो लोग कहते हैं कि चुनाव जो है 50,000 करोड़ और उसमें हो रहा है, ऑफिशियली तो 6,000 करोड़ की बात की जाती है, लेकिन ये चुनाव जो है 1,25,000 करोड़ के आसपास के होते हैं, अगर सब प्रत्याशियों का खर्चा, पार्टियों का खर्चा और सरकार का खर्चा मिला जाए तो 1,25,000 करोड़ का एक एक चुनाव होता है। राज्यों का चुनाव थोड़ा सस्ता हो सकता है, लेकिन उसमें भी आजकल खर्चे उतने ही बढ़ गए हैं। तो देश की ज़रूरत है एक राष्ट्र एक चुनाव के हिसाब से काम करने की, और उसी हिसाब से थोड़ी सी राहत हो सकती है। बाकी में विवेक श्रीवास्तव बैठे हैं, वो इस पर कभी अग्री नहीं करेंगे ना, उन्होंने नहीं करेंगे, उनका मत होगा, वो उनका मत होगा, लेकिन मेरा मत तो अपने लगे है ना। स्टेज पर पहुंचा जाएगा और उसके लिए कितना, क्योंकि क्या ये एक नया टारगेट नहीं है? शांतनु, देखिए मेरे ख्याल से तो जो नई डेमोक्रेसीज है, नया लोकतंत्र है, उसमें चुनाव बहुत बड़ी बात है। और भारत का चुनाव जिसमें आपने अभी बताया 97 करोड़ वोटर हैं, करीब 10.5 लाख पोलिंग बूथ हैं, 1.5 करोड़ पर्सनल उसको मैनेज कर रहे हैं। अभी मेरे कुछ मित्र थे IAS, वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे, कह रहे थे वो भी अपने आप को एक मतलब इतने खुशी महसूस कर रहे थे कि इसका पार्ट हैं। हम लोग विदेशों में जाते हैं रूबिका, आज भी UK US में मैंडेटरी वोटर कार्ड नहीं है, कोई भी जाके वोट कर सकता है, बाद में उस पर एलिगेशन लगे तो वो जेल जा सकता है। तो हमारा इलेक्शन जो रोबस्ट है, हमारे इलेक्शन कमीशन से ऑफिसर्स जाते हैं UK US और बड़े बड़े चुनाव में एक तरह से उसको देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को खुश होना चाहिए कि उसकी कमेंट्री के लिए हम बैठे हैं, जो इतनी बड़ी धरती पे चीज़ हो रही है। हम लोग जो नया डेमोक्रेसी, नया तंत्र देखते हैं उसका एक भाग है, और इतनी ब्यूटीफुली उसको मैनेज करना, और EVM पे जो इतनी देर आज EC बोल रहे हैं वो बड़ी बात है। जैसे ही इलेक्शन स्टेट के खत्म होते हैं, किसी के भी खत्म होते हैं, EVM पे आ जाते हैं। आज भी बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजी का दम भरते हैं वो EVM पे चुनाव करने लायक नहीं है, और हमने EVM को VVPAT और अलग तकनीक से और अच्छा कर लिया है। तो मुझे तो जब भी भारत में वोट डालने जाता हूं तो बड़ा गर्व होता है कि हम इतने बड़े लोकतंत्र के हिस्सा हैं, इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और उसे इतनी बेखुबी से हमारा EC संभालता है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, ये जो EVM का जिक्र छिड़ा ही है, अब इस बार तो ये नहीं होगा ना कि जीते तो हमें ही हम है और हारे तो EVM है? मैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, प्रत्याशियों के प्रमाण पत्र मिलने तक, हर जगह भेदभाव किया जाता है, हर कहीं भी निष्पक्षता नहीं होती है, हर जगह सरकार की मंशा के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव में खासतौर से सबसे बड़ी भूमिका होती है चुनाव आयोग की और मीडिया की। दोनों पक्षपाती हैं, दोनों पक्षपाती हैं, माफी के साथ कहना चाहता हूँ। अब आपके शो में ही उदाहरण, मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत कम समय लूंगा, कृपया बीच में न टोकें। आप खुद कह रही थी चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर मीडिया कोई सरकार पार्टी के पक्ष में कुछ दिखाएगा तो उस पर लिखना पड़ेगा कि विज्ञापन है। इसी बीच में सतीश जी बोल रहे थे और सतीश जी को बात काट के आपने कहा बड़ी खबर, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है अब की बार 400 पार। ये कौन सी बड़ी खबर है? 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, और इसमें बड़ी खबर कौन सी है? सतीश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को बीच में रोक के आपने, ये बड़ी खबर है देश का प्रधानमंत्री जो चुनावों के घोषणा के बाद, तारीखों के घोषणा के बाद ट्वीट करेगा, और वो ट्वीट अगर इस बड़े पर्व को लेकर होगा तो क्यों नहीं बताएंगे? आपको क्या दिक्कत है उसमें? आप नहीं, आपको इस बात की क्यों दिक्कत? आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पर देखते ही नहीं है, प्रॉब्लम ये हो जाती है ना। मैं बोल रहा हूँ ये समाचार नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक गेम है, ये मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। बेवकूफ है कि आप उसे प्रभावित कर देंगे मनोवैज्ञानिक तरीके से? गजब कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी। अब कैसे आपके शो को निष्पक्ष क्या आप मुझे बोलने नहीं दे रही? मेरी बात सुनने, मेरी बात गलत हो सकती है, फिर आप उसका जवाब दें, कोई और जवाब दें। ये मनोवैज्ञानिक गेम है, 100 में 6 बार ये कहा जाएगा, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए। ये भी भेदभाव, ये भी बेईमानी है, ये भी चोरी है। निष्पक्षता होनी चाहिए,
हर पार्टी को बराबर समय मिलना चाहिए अपने अपने मुद्दे कहने के, एक शांत वातावरण होना चाहिए, इसमें माहौल ऐसा बना के रखा जाता है। अच्छा, हम तो कह रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा था, लोगों की तरफ से कोई ट्वीट आया बता दीजिए, मैं भाटी जी पर बोलिए ना, अखिलेश यादव से पिछला ट्वीट उन्होंने 19 घंटे पहले किया था, अखिलेश यादव ने जो कैसे भी सड़क पे नहीं दिखते हैं, ट्विटर पे दिखते हैं, 19 घंटे पहले अखिलेश ने कोई ट्वीट किया था, बोला ना उनसे ट्वीट करें, पढ़ देंगे रूबी का जितने बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट आएगा यहाँ पर ब्रेकिंग होगी। मैं कह रही हूँ आपकी बार 400 पार इन्होंने नारा दिया, आप दूसरा नारा दीजिए ना, या आप लोगों की तरफ से चौकीदार चोर नारा दिया गया था, आप मुझे बताइए ना, आपकी तरफ से चौकीदार चोर नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया था, कितना वो चला था, क्या वो मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों पर काम किया, तो क्यों नहीं जीत गए आप सारे चुनाव? मीडिया का काम होता है आईना दिखाना, लेकिन जब हम मीडिया तो को आईना वही कर रही हूँ, आपको आईना ही दिखा रही हूँ, मीडिया पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप इत्मीनान से अपनी सारी बातें रख सकते हैं, आपको मीडिया प्रॉब्लम लग रही है, अरे आपको वोट नहीं मिल रहे हैं तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? आप जाइए मैदान में, सीधे तौर पर आप जाकर कहिए कि मनोवैज्ञानिक खेल हो रहा है, आइए हमें वोट कीजिए, कीजिए ना चैलेंज, ऐसे शांतनु कुछ कहना चाह रहे थे, मैं तो उसी की बात को धरा, मैं जवाब देना चाहता हूं, राहुल गांधी के ट्विटर लाइन पे कोई ट्वीट है, उन्होंने कहा है, मैं जवाब देना चाहता हूं, ना तो राहुल गांधी के ट्विटर लाइन पे कोई ट्वीट है ना अखिलेश यादव के, आप दीजिए नारा, दो बार से आप 5 सीट लेके आ रहे हैं भाटी जी, अब की बार 5 के पार, वही आपके लिए नारा होगा उत्तर प्रदेश में,